हाय गाइस, नमस्ते गेम चैन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको सनटैन की प्रॉब्लम हो गई हो, आपके हाथ या फिर आपके पैर बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गए हो, डल हो गए हो या फिर ड्राई स्किन हो गई हो, तो ये वाली होम रेमेडी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और ये होम रेमेडी में हमने सारे प्रोडक्ट्स घर की ही यूज़ की है, तो आपको बाहर जाके कुछ प्रोडक्ट्स लाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसका जो रिज़ल्ट है ना, वो आपको 2 से 3 दिन में दिखाई देगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो पर लाइक ज़रूर कर देना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप वन में सबसे पहले आपको चाहिए रॉ मिल्क यानी कि कच्चा दूध और आधा लेमन। और इसे आपको जहाँ पे भी आपको डर्ट हो चुका है या फिर जो पार्ट आपका बहुत ज़्यादा ब्लैक हो चुका है, उस जगह पे आपको इसे रब करना है। इस तरह से आप इसे अंडर आर्म्स पे भी अप्लाई कर सकते हो या फिर आपकी नेक पे भी अप्लाई कर सकते हो, आपके बैक पे भी अप्लाई कर सकते हो। गाइज, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव वाली होम रेमेडी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये 3 दिन में आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। ये जो लेमन है ना, वो सारे डर्ट को रिमूव कर देगा और ये जो रॉ मिल्क है ना, वो आपकी स्किन को क्लीन कर देगा, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखेगा। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुकी है तो भी इसे ये रिपेयर करने में हेल्प करेगा। और गाइस, ये आपकी सारे डर्ट को इंस्टेंट रिमूव करेगा। अगर आप इसे फर्स्ट टाइम यूज़ करोगे ना, फर्स्ट टाइम में ही आपको इसका अच्छा रिजल्ट दिखाई देगा और एकदम मस्त वाला रिजल्ट आपको 3 दिन में दिखाई देगा। 3 दिन तक आपको ये कंपलसरी करना है। स्टेप 2 में सबसे पहले आपको चाहिए कॉफ़ी, 1 चम्मच एलोवेरा जेल और 1 चम्मच कर्ड यानी कि दही। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और ये स्क्रब का काम करेगा। इसे भी जहाँ पे भी आपको डर्ट की प्रॉब्लम है, वहाँ पे आप इसे अप्लाई कर लीजिए। गाइज, इसमें हमने कॉफ़ी ऐड किया है, तो कॉफ़ी बहुत ही अच्छा एक स्क्रब का काम करेगा। ये भी आपके सारे डर्ट को रिमूव कर देगा। और उसके बाद हमने इसमें एलोवेरा जेल ऐड किया है। एलोवेरा जेल भी हमारे स्किन को क्लीन एंड ब्राइट बनाने में हेल्प करता है। और इसमें हमने कर्ड ऐड किया है। कर्ड आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखेगा और ये भी डर्ट को रिमूव करेगा। तो जो पहला वाला स्टेप किया है ना, उसके बाद इंस्टेंट हमें ये वाला स्टेप करना है। पहले वाले स्टेप के बाद हमें इसे वॉश नहीं करना है। सेकेंड स्टेप कर देने के बाद हम हाथ और पैरों को वॉश कर देंगे। अब हम थर्ड स्टेप करेंगे। तो थर्ड स्टेप में सबसे पहले आपको 2 या 3 पिंच हल्दी लेनी है और उसके बाद 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी लेनी है। उसके अंदर आपको 3 से 4 चम्मच रोज़ वाटर के ऐड करने हैं। तो ये रेडी है, अब हम इसे अप्लाई करेंगे। गाइज, इसे आपको रब करना है जहाँ पे भी आपको डर्ट है या फिर जहाँ पे भी आपको ब्लैक सा हो चुका है, उस जगह पे आप इसे रब करें इस तरह से। और रब करने के बाद आपको इसे सुखाने के लिए रखना है 5 से 10 मिनट तक। और उसके बाद आपको ठंडे पानी की हेल्प से वॉश करना है या फिर आप बाथ ले लीजिए, बाथ लेने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हाँ गाइज, इसमें मुल्तानी मिट्टी ऐड की है। मुल्तानी मिट्टी भी हमारे स्किन को क्लीन करती है। आपको पता ही है कि मुल्तानी मिट्टी हमारे स्किन को ब्राइट बनाने में भी हेल्प करती है। रोज़ वाटर भी हमारे स्किन को क्लीन करने में हेल्प करता है। और हल्दी तो बहुत बहुत ही अच्छी है, ये भी हमारे स्किन को ग्लोइंग करती है, डॉट को रिमूव करती है, सन टैन की प्रॉब्लम को दूर करती है। तो हल्दी ज़रूर आप इसमें ऐड करें। ये तीनों स्टेप आपको 2-2 मिनट तक करने हैं, यानी कि एक पार्ट पे आपको 2 मिनट तक रब करना है। तो गाइज़, अगर आप ये वाली होम रेमेडी ट्राई करें ना, तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर करना कि आपको कैसा रिजल्ट मिला। मुझे DM करके ज़रूर बताना या फिर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा कि आप पे ये वर्क कर रहा है। तो गाइज, बस ये 3 इजी से स्टेप आपको फॉलो करने हैं। उसके बाद आप नहा लीजिए ताकि ये जो येलो से दाग है वो भी निकल जाएंगे, इजीली निकल जाएंगे। अगर आपको बहुत पहले से डर्ट है, आपके फिंगर के पास आपको बहुत ज़्यादा ब्लैक हो चुका है, तो ये सारे डर्ट को रिमूव कर देगा। पुराने से पुराने डर्ट को भी ये रिमूव करने में हेल्प करेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो मुझे ज़रूर बताना कि ये आपको कैसा लगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक कर देना एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और भी अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए ये वीडियो आप आपके फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हो ताकि उनको भी हेल्प मिले। मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।